हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ हमें कब हार्डी, इजी टू ग्रो और इजी टू मेंटेनेंस एक प्लांट वंडरिंग जीव को नए सिरे से कटिंग लगाकर ग्रो कर लेना चाहिए। तो जब वंडरिंग जो का प्लांट इस तरह से लैगी बेतरतीब सा हो जाता है और ऊपर की पत्तियां कम हो जाती हैं, शाखाएं सूखी सी हो जाती है, पत्तियां सूखी सूखी सी और कम हो जाती हैं, तब ऐसे प्लांट को पूरी तरह से हटाकर इसी प्लांट में से कटिंग लेकर हमें नया प्लांट लगा लेना चाहिए। तो आज मैं वही कर रही हूँ, मैं इन सारे प्लांट को निकाल रही हूँ और इस तरह से मैंने इसको निकाल लिया है और इतनी सारे शाखाएँ देखिए मैंने इस प्लांट में से अलग कर दी है और गमले को पूरी तरह से अब मैं खाली कर रही हूँ ताकि इसमें मैं फिर से इसी की कटिंग को ग्रो कर सकूँ। और इस तरह से मैंने धीरे धीरे करके पूरे पॉट को खाली कर लिया है और इसमें जो सूखी पत्तियां वगैरह हैं वो सब भी हटा दी। और ये है निकाला हुआ जो प्लांट, इसी में से मैं निकालूंगी कटिंग और फिर उसको मैं नए सिरे से ग्रो करूंगी। क्योंकि इस हैंगिंग पॉट में पहले से ही वेलडन सॉइल डाला हुआ है, इसलिए मैं इसकी पूरी मिट्टी नहीं निकालकर इसी मिट्टी में थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके इसी में वंडरिंग जीव की कटिंग को ग्रो करूंगी। वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद में मैंने इसे थोड़ा सा मिक्स कर लिया है और इस तरह इसकी थोड़ी गुड़ाई भी हो गई। और अब जिस प्लांट को मैंने निकाल दिया था उसी में से हेल्दी स्टेम की 3 से 5 इंच की कटिंग लेकर उनमें से सूखी और बेकार पत्तियों को हटाकर उन कटिंग्स को मैं लगा दूंगी। और इस तरह मैंने 15-16 कटिंग इकट्ठा कर ली है जिनको मैं लगाऊंगी। क्योंकि ये मिट्टी गीली और भुरभुरी है, कटिंग इसमें इजीली इंसर्ट हो रही है, इसलिए मैं इसमें डायरेक्ट लगा रही हूँ। लेकिन अगर मिट्टी थोड़ी भी सख्त है तो हमें किसी लकड़ी या इस तरह के प्लास्टिक के स्टिक से पहले होल करके उसमें कटिंग को इंसर्ट करना चाहिए। इससे कटिंग डैमेज नहीं होती और रिजल्ट अच्छा आता है। और किसी भी प्लांट की कटिंग लगाते वक्त हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कभी भी प्लांट की कटिंग को सीधे मिट्टी में दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, पहले होल कर लेना चाहिए मिट्टी में। और इस तरह से मैंने सारी कटिंग्स लगा ली है। और कटिंग लगाने के बाद जैसे मैं बोलती हूँ कि मिट्टी में हमेशा पानी डालना चाहिए, तो चूंकि इसकी मिट्टी गीली ही थी तो मैं केवल ऊपर से इसमें शावरिंग कर रही हूँ जिससे इसकी पत्तियाँ थोड़ी तरोताज़ा हो जाएं। कटिंग्स को लगाने के बाद मैंने इसको ब्राइट लाइट शेडी एरिया में ही रखा 8 से 10 दिन। 8 से 10 दिनों में ही इनमें रूट्स का डेवलपमेंट भी हो जाएगा और फिर इन कटिंग्स में न्यू ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। वंडरिंग जो एक बहुत ही खूबसूरत शेड लविंग प्लांट है जो हैंगिंग बास्केट के लिए परफेक्ट है। और ये है उन कटिंग्स के 10 दिन बाद की ग्रोथ। आप देख सकते हैं सारे कटिंग्स लग गए हैं और सभी कटिंग्स में नई पत्तियाँ भी निकल गई हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा ये छोटा सा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय।